अच्छे लगेंगे लेकर आइए। मिस्त्री बोल रहे थे कि लंच के लंच करते हैं तो इतने समय में लंच के समय में वो सूख जाता है लेंटर, ऊपर से तो ऊपर से टेढ़ा टेढ़ा चला जाता है वो, तो कोई इसमें फ़ायदा नहीं है। तो लंच करते हैं इतने समय में ही बेकार हो जाता है वो, तो लंच करने से पहले ही उसे वो इक्षार करेंगे, जैसे कि फर्ज हो जाता है फर्ज फर्ज की तरह ऐसे इक्षार करना है। तो इसलिए दोबारा नहीं तो ये धो दी थी लेंटर पड़ गया था, एक घंटा लगा है लेंटर पड़ने में केवल एक घंटा, और एक घंटे में लेंटर पड़ने के बाद धो दी थी, दोबारा ये मसाला बन रहा है इक्षार करने के लिए। उससे छत में पानी लीकेज नहीं होता, जो छत चूती है या छत की ऊपर से बेकार हो जाती है ना, सारी डेकोरेशन बिगड़ जाती है क्योंकि बारिश पड़ती है धूप पड़ती है, तो उससे ये बचा रहता है। तो इसलिए अब इसे बर्फ के जैसा कर देंगे ऊपर से छत को तो सही रहेगा, पानी भी ऐसे चला जाता है उससे और पैरों में भी नहीं बजरी सी चुभती है, और लेंटर भी नहीं, लेंटर में भी पानी नहीं लीकेज होता है। तो वो अब ये कर रहे हैं, नहीं तो एक घंटे में लेंटर पड़ गया था। और पल्ली तरफ खाना चल रहा है, जो दावत वावत दिए हैं तो उन दावत वालों का खाना चल रहा है पल्ली तरफ। तो देखिए यहाँ पर अभी भी, और यहाँ टेक लगाई हुई है, ये जो है ना ये ऊपर आप देख रहे हैं, यहाँ पे टेक इसलिए लगा रखी है कि ये जो है ना इधर देख सकते हैं आप, यहाँ पे दीवार लिखड़ी हुई है, अंदर की साइड को लिखड़ रही है ये ऐसे, और कमज़ोर है दीवार कमज़ोर नहीं है, मतलब दीवार थोड़ी मुड़ रही है अंदर की साइड को, और इस पर काफ़ी मलबा लगवाया था पहले भी, 5-6 साल पहले काम करवाया था। और यहाँ पर टेक लगा रखी है, तो ये अभी घूम रहा है ये मसाला बनाने वाला। यहाँ पर मैंने तनु के बाद ये है बाल, और मैं इसके बाल बारी हूँ, थोड़ा नवाई थी तो सिर भी भीग गया है, मतलब धोया है सिर भी, तो इसे बाहर रही हूँ मैं सर को जो है, नहीं तो ऐसे ही उलझा लेती हैं फिर रोती हैं करके। तो फाइनली उनका लेंटर पड़ चुका है, लेंटर पड़ चुका है, और ये से लिफ्ट से नीचे उतर रहे हैं, अब फाइनली टोटल काम हो चुका है। अब ये मशीन सुबह आ तो गई थी जिस तरह से मंगाई थी, और लैट्रिन की पटड़ी का टूटने का डर था, बहुत कमज़ोर थी वो भी, उसके ऊपर भी मतलब जब 3 बार मिस्त्रियों का चिनाई का काम पहले करवाया था ना हमने, तो तब भी उस पर बहुत मोटा मसाला लगवाया था, मसाला रोड़ी बजरपुर का टेस्ट का लैट्रिन की पटड़ी के ऊपर, तब भी वो कमज़ोर सी नज़र आ रही थी। तो इसलिए आप देखते हैं ये मशीन कैसे निकलती है, जैसे सुबह निकाली थी तो बिल्कुल आराम से निकल गई थी नॉर्मल, और अब कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। उम्मीद करते हैं कि सही से निकल जा, लैट्रिन की पटड़ी ना टूटे तो अच्छा रहेगा, और नहीं तो 2-3 लाख रुपये ले रखे हैं, मतलब और भी नुकसान हो जाएगा, तो अच्छी बात नहीं है। तो चलिए देखते हैं जब ये मशीन को निकालेंगे, अभी तो ये लंच करेंगे, तो मिलते हैं इनके लंच के बाद, लंच करेंगे मिस्त्री, और दावत चल रही है तो लंच के बाद मिलेंगे जब ये मशीन बाहर निकलेगी।